तो दोस्तों नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने इस चैनल पे। तो आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी ने मेरे से पूछा है, ठीक है, तो उसी टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि साढ़े साती, ढैया या शनि महादशा, इसमें हम लोग क्या उपाय करें कि जिससे कष्ट कम हो, या जो हमारे तकलीफ होती है, जब प्रॉब्लम होती है, वैसे प्रॉब्लम होती नहीं है, वो आपको मार्ग पे लाया जाता है, बट कि वो जो प्रॉब्लम है कैसे कम करी जाए। तो आज हम उसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, एंड तक देखिएगा, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन दबाएं जिससे आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैं दोस्तों बात कर रहा था साढ़े साती और ढैया में क्या रेमेडीज करनी चाहिए कि जिससे हमें उसका अच्छा फल मिले, शुभ फल मिले उसमें भी। तो दोस्तों सबसे पहली मैं आपको बातचीत करता हूं, जब आपके ऊपर शनि ढैया या शनि साढ़े साती शुरू हो जाती है किसी भी इंसान के ऊपर, तो सबसे पहले तो आप घबराएं नहीं। देखो जितना आप घबराएंगे उतना तो आप डरेंगे ना, इसलिए सबसे पहले आप घबराना बंद कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं कहते शनिदेव, शनिदेव आपको मार्ग पर लाने के लिए आ रहे हैं, आपकी जिंदगी चमकाने के लिए आ रहे हैं, जिंदगी चमकाएंगे वो आपकी। अगर शनि साढ़े साती आपके ऊपर शुरू हो गई है या ढैया आपके ऊपर शुरू हो गई है, तो आप ये समझिए कि आपकी जिंदगी चमकने वाली है। हाँ, जिंदगी चमकने के लिए टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि शनिदेव एक राशि में कम से कम भी 2.5 साल रहते हैं, और अगर मतलब आप लगा लीजिए अगर साढ़े साती किसी इंसान की चली है तो वो रहती है कम से कम भी 90 महीने, ठीक है। और अगर शनि कुंडली में अच्छा है तो वो स्टार्टिंग में ही राइज दे देती है। अगर शनि अच्छा नहीं है ज़्यादा या मीडियम रिजल्ट देने वाला है तो क्या है कि वो साढ़े साती 72 महीने के बाद अपना अच्छा फल देना शुरू करती है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि क्या उपाय किए जाएं, क्या कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जिससे हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं, या जो हमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं या हमें तंग हो रहा है जिसके कारण, जिससे क्या हम उससे बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ रेमेडीज हैं ऐसी अवेलेबल जिससे हम बच सकते हैं। सबसे पहले कि शनिदेव से आप घबराइए नहीं, तो मैं एक वन बाय वन करके रेमेडीज आपको बताऊंगा जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आप हम अच्छी तरह से अपनी जिंदगी में अच्छे फल प्राप्त करेंगे साढ़े साती या ढैया से। तो दोस्तों वन बाय वन शुरू करता हूं मैं। तो मेरी सबसे पहली रेमेडी है, जब आपके ऊपर आपको पता चल गया कि शनि साढ़े साती चल पड़ी है या ढैया चल पड़ी है या आपकी महादशा आने वाली है शनिदेव की, तो आप उसके लिए क्या करें, पहले साढ़े साती समझिए क्या होती है। शनिदेव जब चंद्रमा के एक घर आगे या चंद्रमा की राशि में या उससे एक घर उससे आगे, मतलब एक राशि आगे बढ़ जाते हैं या एक राशि पीछे होते हैं, तब साढ़े साती होती है इंसान की। साढ़े साती राइज भी बहुत देती है बट इंसान से गलतियां करवाती है, क्यों? क्योंकि शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव कभी भी खुद नहीं देते, इंसान को उस चीज का पात्र बना देते हैं। अगर आप शनि के पीरियड में किसी भी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, जैसे कि ये मैं लगा लेता हूं कि मैं कोई मकान खरीदने के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो शनिदेव मेरे से कुछ ऐसे कार्य करवाएंगे जिससे मेरे से मेहनत करवाएंगे कि हाँ मकान खरीदने के लिए, तो होगा क्या कि वो मेहनत में इतनी करवा देंगे, इतनी मेहनत करवाएंगे 60-70 महीने कि वो मेरे को खुद ही मकान मिलने का पात्र बना देंगे। इतने मैं मकान देख लूंगा, इतने ज्यादा मैं जमीनें देख लूंगा कि मेरे को वो पात्र बना देंगे उस चीज का। तो यही करते हैं। तो जब साढ़े साती ढैया कभी भी स्टार्ट हो तो सबसे पहला बेस्ट उपाय जो आपको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, करके देख लेना, आप इफेक्ट देख लेंगे कि जितने भी आसपास आपके लोग हैं, कोई भी है, चाहे बच्चा है, वैसे तो कहा जाता है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, बुजुर्गों की इज्जत करें, ठीक है, पर मैं कह रहा हूं आशीर्वाद आप बड़ों का लें। जितने भी आपके सामने बड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे आपके बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, भाभी है, कोई भी है, उसका आप आशीर्वाद लेना शुरू कर दें। किसी भी आपसे जो एज में बड़ा है, जो छोटा है, उसकी इज्जत करना स्टार्ट कर दें। चाहे वो आपके यहाँ पे आपसे कुछ छोटा आपका भाई है, चाहे वो नालायक है जिंदगी में,
ठीक है, नालायक वैसे कोई होता नहीं है, नालायक अगर आप मानते हैं या उसको आप अपने से कम मानते हैं, फिर भी आप उसकी इज्जत करना स्टार्ट कर दें, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, और सबकी इज्जत करें, चाहे मतलब कोई गलत है, वो कहीं गलत हो रहा है तो उसको सही करो, बट उसकी इज्जत करो, ठीक है, हर एक इंसान की, चाहे इंसान है, लेडीज है, जेंट्स है, कोई भी है, बिना कुछ समझे सोचे समझे उसकी इज्जत करो, फिर देखो आपको कितना अच्छा रिजल्ट। सबसे पहला ये बेस्ट रेमेडी है, आप ट्राई कीजिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। नंबर दो, शनिदेव कर्मों के मालिक हैं, ये आप लोगों को सबको पता है, समझाने की जरूरत नहीं है, तो कर्म फलदाता भी हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपको पता चल जाए कि मेरी साढ़े साती शुरू होने वाली है, ढैया शुरू होने वाली है, गोचर शुरू होने में थोड़ा ही टाइम रह गया है या चल रही है, तो अच्छे कर्म करना शुरू कर दें। अगर वैसे तो आप सब लोग मुझे पता है अच्छे ही कर्म करते हैं, बट कई बार गलती हो जाती है, तो उन गलतियों को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं आप करें, ठीक है, तो जितना आप उन गलतियों को अवॉइड करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना ही अच्छा आपको फल देंगे, ठीक है। हो सकता है कि फल पॉजिटिव रिजल्ट मिलने में थोड़ा डिले हो जाए, बट मिलेगा जरूर, ठीक है। नंबर तीन पे, अगर आपको जो साढ़े साती बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो नंबर तीन पे उपाय क्या करना है आप लोगों को, कि हनुमान जी की शरणागति और भगवान शिव की शरणागति कर लीजिए, आपको ज्यादा कष्ट नहीं आएगा। जिन लोगों के ऊपर साढ़े साती या ढैया चल रही है, वो क्या करे कि हनुमान जी, हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 3 बार कर लें, 3 बार, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, अच्छी मन से, शुद्ध भाव से, अगर आप हनुमान चालीसा का दिन में 3 बार पाठ करते हैं, तो दोस्तों आपको शनि साढ़े साती ढैया ज्यादा नहीं सताएगी। एक उपाय सबसे बेस्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल बेनिफिशियल रहेगा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय है, पर थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मैं क्यों बता रहा हूं ये आप सुनेंगे अभी। तो करना क्या है कि जैसे कोई आपको शनिदेव मंदिर पता होगा, आपके आसपास होगा कोई ना कोई, जरूर हर एक घर के पास शनि मंदिर होता ही है, ऑलमोस्ट हर एक शहर में प्रेजेंट है, तो आप शनि मंदिर जाएंगे, पर आप क्या करेंगे कि शनिदेव का तेलाभिषेक करना है। तो कैसे करना है वो आप सुनिए। शनिवार की शाम को, जब जेठा शनिवार हो, जेठा शनिवार क्या होता है कि जो मतलब संक्रांति के बाद कोई भी शनिवार आता है, या संक्रांति के दिन भी अगर शनिवार आता है, तो उसको जेठा शनिवार कहा जाता है। जब जेठा शनिवार हो, आपने क्या करना है कि शनिवार की उस शाम को कोई अराउंड 5 और 5 और 6 बजे शाम के आपने नहा लेना है एक बार, और अपनी बॉडी पे सारी पे ऑयल लगाओ, ठीक है, दो काम हो गए, ठीक है। नंबर तीन पे 8 kg तेल, 8 किलो तेल लेना है, 8 किलोग्राम, मतलब 8 लीटर नहीं लेना है, 1 लीटर में 910 ग्राम ही होते हैं, 8 किलो लेना है तोल के, ज्यादा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, पर 8 लोगे तो बेटर है, ठीक है। 8 किलो तेल आपने शनि मंदिर लेके जाना, और सारा शनिदेव को अर्पित कर देना है, वो अपने माथे से एक बार टच करना है वो तेल, और शनिदेव को अर्पित करके वापस आ जाना, और अपने कष्टों के लिए क्षमा मांग आना, ठीक है, और वापस इन्हीं पैरों से आ जाना है, आपने नहा के जाना है, नहा के अपने बॉडी पे ऑयल लगा के 8 किलो तेल लेके जाना है, और शनिदेव का अभिषेक करना है अच्छे से, ठीक है, और उनको प्रणाम करना है, और उन्हीं पैरों से वापस आ जाना है जिन पैरों से गए थे, रास्ते में ना जाते हुए किसी से बोलना है, ना आते हुए किसी से बोलना है। हाँ, अगर आप मंदिर गए हैं तो ऑब्वियसली वहां पे पुजारी जी होंगे, उनसे प्रसाद जरूर ग्रहण करें, और अगर हो सके तो शनिदेव मंदिर में हमेशा हनुमान जी की प्रतिमा रहती ही है, तो शनिदेव जी का तेलाभिषेक करके हनुमान जी के चरणों में भी प्रणाम जरूर करें, और वापस आ जाएं अपने घर पे, और अपने घर के मंदिर में आके भी प्रणाम करें, और उस शाम को आप बस मतलब सात्विक भोजन करें, ठीक है। सात्विक भोजन मतलब आप उसमें आप खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खाने में मतलब अगर हो सके तो लहसुन अवॉइड करें, मैं प्याज तो चलो खा ही लेते हैं आप लोग सारे, कोई दिक्कत नहीं है, लहसुन उस खाने में अवॉइड करें, ठीक है, वो खाना खाएं, और उड़द की दाल अगर बनी हो, सबसे बेस्ट है ये चीज़ कि उस शाम उड़द की दाल ही आप खाएं, ठीक है, और आप सो जाएं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो कष्ट आपको आ रहे थे वो आपके कम होने लगे हैं। बट
मैं आपको बता देता हूं कि शनि के पीरियड में अगर कष्ट हो रहा है तो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर बिठा लो कि वो कष्ट आपको कहीं बड़ी पोजीशन पर लेके जाने वाला है। ठीक है, मतलब अगर आपकी 7:30 चली, 7:30 के बाद आपको कोई कष्ट स्टार्ट हो गया, इसका मतलब जिस चीज में आपको कष्ट स्टार्ट हुआ है वहां पे कहीं ना कहीं कोई मतलब अमेंडमेंट की जरूरत थी, कई नए रिफॉर्म लाने थे, वो आप खुद नहीं ला पाए, तो शनिदेव ला रहे हैं। ठीक है, शनिदेव ला रहे हैं, उनका थोड़ा मेथड ऐसा है कि वो थोड़ा डिले करते हैं। ठीक है, बट देते बहुत बेस्ट चीज है। सो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, ये जो कुछ उपाय आपको बताए थे ये अगर आप करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, और शनिदेव कि जब कोई भी ऐसी दशा स्टार्ट होती है, अपने माता पिता से, अपनी खासकर अपनी माता से और अपने पिता से जरूर आशीर्वाद ले। आपके घर में तो आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनसे आशीर्वाद ले, उनकी संगत में जाके बैठे, उनसे चार बातें नई सीखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा फल मिलेगा। और अगर आपको कोई बुरा कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि क्योंकि अगर देखिए, एक मैं आपको चीज बता दूं कि शनि की दशा में या शनि के पीरियड में अगर कोई इंसान आपकी बुराई कर रहा है, आपके मुंह के ऊपर, पीठ पीछे की बात नहीं अभी मैं कर रहा हूँ, मुंह के ऊपर आपको कोई सिखा रहा है चीज, तो उसको सुनिए, उसकी सीखिए। क्यों? वो कहीं ना कहीं आपका फायदा ही दे रहा है आपको। क्यों? क्योंकि अगर आपका वो फायदा नहीं जाएगा तो आपके मुंह पे बुराई नहीं करेगा, वो पीठ पीछे करेगा। अगर आपके मुंह पे बुराई हो रही है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही इंसान है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि बहुत ज्यादा आप लोग डिमांड कर रहे थे, फोन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मेरे को मतलब 5-7 लोगों के फोन आए थे, तो मैंने कहा कि 5-7 लोगों की बजाय मैं सबका जो मेरे को पता है मैं सबको बताऊं। ठीक है, जिससे ये बात सबको फायदा दे, तो आप लोग भी सबको बताएं, आप ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तो जिससे मुझे भी इनकरेजमेंट मिलता रहे कि मैं नई नई वीडियोस बनाऊं, आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूं। तो दोस्तों, अगर आपको मतलब हर एक भाव में शनि कैसा फल देते हैं वो जानना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है और नीचे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में तो आप वहाँ पे एनालिसिस करवा सकते हैं। तो बाकी बाकी अगर आपको मतलब कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तब तक के लिए नमस्कार, जय शनिदेव, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय।